असलम मैं हो गया फ्रॉम अमेरिका की दुनिया, वेलकम सब नई वीडियो में। आप लोगों ने इंडिया के अमीर आदमियों का नाम तो सुना ही होगा, मुकेश अंबानी, दूसरे पे अडानी, तीसरे पे टाटा, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो पाकिस्तान में सबसे अमीर आदमी कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो इसी पर ये वीडियो है, इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी अमीर आदमियों के ऊपर बनी है, उनकी लाइफस्टाइल वगैरह के ऊपर है ये वीडियो। तो फैक्ट भाई करके एक चैनल है, उन्होंने ये अपलोड किया है, तो चलिए इस पर हम रिएक्शन देते हैं और कुछ अलग आज जानने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, प्लस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर वीडियो में। हेलो हेलो, मैं हूँ फैक्ट भाई। और इंडिया में अरबपति बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट, राइट? और पाकिस्तान में चाहिए बकरियाँ, क्योंकि जब एक्सपीएम इमरान खान ने अपने $1 बिलियन एसेट का खुलासा किया तो उसमें 2 लाख की 2-4 बकरियाँ ही थी। अब क्या इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी अरबपतियों के पास सिर्फ बकरियाँ ही है, या फिर कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं? लेकिन अगर इंडिया पर नजर डालें तो साल 2023 की शुरुआत इंडियन अरबपति गौतम अडानी के दुनिया में दूसरे सबसे रईस इंसान बनने से हुई थी, और जिस स्पीड से इनका बिजनेस दिन दुगना रात चौगना हो रहा था, शायद ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते। पर एक बड़ी गलती और रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इनका नंबर सेकंड से सीधा 24 पर। आखिर क्या थी वो गलती? क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान, अरबपतियों की लाइफस्टाइल जीना किसे नहीं पसंद? लग्जरियस कार्स, बड़े बड़े बंगलो और प्राइवेट जेट, वाह। तो आइए इन हीरोज की जीरो से शुरुआत करके देखते हैं इन अरबपतियों का मुकाबला। अब मान लो कि पूरी दुनिया क्लासरूम है और बेस्ट रैंकर क्लासरूम के अरबपति, तो ऐसे में टीचर्स फोर्ब्स की मार्कशीट में इंडिया का नंबर तीसरे रैंक पे आता है। लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आने में शायद कुछ साल और लगेंगे, पर इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, क्योंकि जैसा फैक भाई ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान बोले तो शाहिद खान खुद फोर्ब्स 2023 के बिलियनर्स लिस्ट में 144वें नंबर पर आते हैं। और पाकिस्तान के दूसरे सबसे रईस मियां मोहम्मद मंशा, जिन्हें लोग पाकिस्तान का मुकेश अंबानी कहते हैं, लेकिन $5 बिलियन की संपत्ति होकर भी उनका नाम फोर्ब्स के टॉप 500 से गायब है। और इंडिया की बात करें तो एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे, तो इंडिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी 24वें नंबर पे अपनी कुर्सी जमा कर बैठे हैं। इन सभी की नेटवर्थ और मेजर बिजनेस की बात करें तो शाहिद खान का मेन बिजनेस है फ्लेक्स एंड गेट, जो ऑटो पार्ट्स की डीलिंग करता है। और अब तक मिस्टर खान अपने बिजनेस से कुल $12.1 बिलियन की संपत्ति बना चुके हैं। मिस्टर मंशा फिलहाल 3 अलग अलग बिजनेस के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने $5 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। और हमारे अरबपति पाकिस्तानी अरबपतियों से कम है कि अकेले मुकेश अंबानी के इतने बिजनेस हैं कि सबका नाम लिखते लिखते किताब भर जाए। और इतने सारे बिजनेस से उनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन हो गई है। इसी तरह मिस्टर अडानी का बिजनेस भी बड़ा फैला हुआ है, जिससे उनकी कुल संपत्ति फिलहाल $47.2 बिलियन है। और अगर 24 जनवरी 2003 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट ना आती तो शायद ये आज भी $121 बिलियन की संपत्ति के साथ सिर्फ इंडिया नहीं एशिया के रिचेस्ट बिलियनर होते। पर हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के आग की तरह फैलते ही उन्हें $104 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। खैर, अरबपति वर्सेस अरबपति के इस मुकाबले को देखकर तो आपको लगा होगा कि इंडिया ने ये जंग आराम से जीत ली है, पर रुको जरा, सब्र करो, मुकाबला अभी बाकी है मेरे दोस्त। पैसे के मामले में शायद इंडिया को हाथ लगाना भले ही मुश्किल हो, ऐसी भी कोई नवाबी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। वेल, इसके लिए बढ़ते हैं इनके खर्चे की ओर, ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान के अरबपति अपना पैसा इंडिया से ज्यादा उड़ाते हैं। अगर हाँ तो कहाँ है घर, है पैसा, है गड्डी, वो भी इतना कि साल भर चलेगी पार्टी। पर जिनके पास पैसा, उनके पास वक्त की कमी, इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा दो ही चीजों में लगाते हैं, एक पैसों को डबल करने वाली इन्वेस्टमेंट और दूसरा महंगी चीजों के शॉपे जिसमें कार से लेकर प्राइवेट जेट्स शामिल हैं। तो सबसे पहला मुकाबला महंगी कारों का, पाकिस्तानी अरबपति शाहिद खान के पास महंगी कारों में मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर जैसी कई कारें शामिल हैं। मियां मंशा का भी ऐसा ही कलेक्शन है, पर इनके कंपैरिजन में अंबानी के पास है 6 फ्लोर का गैराज जिसमें वो अपनी 168 कारों को रखते हैं। अडानी के पास मौजूद कारों की गिनती तो 10 है, पर कार कलेक्शन तो हर दूसरे बिलियनर के पास मिलती है, असली कलेक्शन होता है प्राइवेट जेट का। तो मियां भाईजान के पास कोई जेट ना सही, पर शाहिद खान के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं जिनकी कीमत $90 मिलियन से ज्यादा है। इनके ग्लोबल 7500 में एक साथ
19 लोग उड़ सकते हैं और इसमें बेडरूम, लिविंग रूम कम कॉन्फ्रेंस रूम और किचन तक है। मुकेश अंबानी की जेट की बात करें तो उनका एक अकेला जेट $73 million का है। और जब तक आप इसकी लग्जरी का अंदाजा लगा रहे हैं, फैक्ट भाई बता दे कि गौतम अडानी के पास भी 3 प्राइवेट जेट्स हैं जिनकी कीमत $50 million से ज्यादा है। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास 3 लग्जरियस हेलीकॉप्टर्स भी हैं। हालांकि दोनों देशों के अरबपतियों का सबसे फेवरेट और सबसे महंगा शौक है लग्जरियस याट। दुनिया को जियो का वरदान देने वाले मिस्टर अंबानी के पास 3 डेक वाली 58 मीटर लंबी याट है जिसकी कीमत करीबन $100 million है। वहीं शाहिद खान के पास 2 याट हैं। इनकी दूसरी याट किस्मत अकेले $200 million की है। और गाड़ी सवारी सबकी बात में इनके घर को तो नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के शाहिद खान ने फ्लोरिडा, शिकागो, इलिनॉयस और लंदन में 4 आलीशान घर खरीद रखे हैं। मियां मंशा की बात करें तो वो लंदन स्टेट में सेंट जॉर्जेस हिल के मालिक हैं। वहीं मुकेश अंबानी का एंटीलिया के अलावा लंदन और दुबई में भी घर है। और गौतम अडानी ने ना सिर्फ विदेशों में पर दिल्ली, गुड़गांव और अहमदाबाद में घर बनाए हैं। यानी अपनी लाइफ को आसान और आलीशान बनाने के लिए दोनों ही देशों के अरबपतियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर खून पसीना लगाकर कमाई करने के बाद इतना ऐशोआराम तो लोग डिजर्व करते हैं। और आप भी यही कहोगे, नहीं मानते तो आइए फैक्ट भाई आपको इनकी बैक स्टोरी बता दे, जिसमें गरीबी, लाचारी, कुछ कर दिखाने का जुनून, हर चीज का परफेक्ट ब्लेंड है। $12 billion आज खड़े खड़े लेट क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस ही नहीं, हमारा कोहिनूर शाहिद खान खरीद सकते हैं। बावजूद इसके उनके पास अपनी लाइफ और अपने बच्चों के बच्चों की लाइफ अच्छे से काटे इतने पैसे बच जाएंगे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 16 साल की उम्र में सिर्फ $500 जुटाकर जब वो US पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। जैसे तैसे उन्होंने फ्लेक्स एंड गेट कंपनी में काम करते करते अपनी पढ़ाई पूरी की और वो होने के बाद उन्होंने बम्पर वर्क्स नाम से अपना बिजनेस शुरू किया, जो आगे चलकर इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने जिस फ्लेक्स एंड गेट कंपनी में नौकरी की थी उसे ही खरीद लिया और आज इसी कंपनी की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन पैसों से ये सिर्फ आराम नहीं करते, कोविड में इन्होंने $1 million डोनेट किए थे। शाहिद खान इज पर्सनली कमिटिंग $1 million टू COVID-19। तो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री पाई उसके लिए भी इन्होंने डोनेशंस किए हैं। इनके मुकाबले में मियां मंशा की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी की तरह अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही गौतम अडानी ने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसानों में अपना नाम लिखवाने के लिए तपस का सामना किया है। कॉलेज से सेकंड ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। और हालांकि उनके पिताजी एक छोटे से टेक्सटाइल मर्चेंट थे, पर गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कम रुचि थी। नतीजा उन्होंने पहले एक हीरा पॉलिश करने वाली नौकरी की, पर 3 साल के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और उसके बाद उन्हें किसी और के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भारत के 18 शहरों में इनका बिजनेस चल रहा है। कोविड की महामारी में इन्होंने भी 100 करोड़ पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे। और इसी तरह गुजरात सीएम रिलीफ फंड को या महाराष्ट्र अडानी हर जगह डोनेट कर चुके हैं। पर एक तरफ इनके करोड़ों के डोनेशंस, तो दूसरी तरफ है एक्स पीएम इमरान खान की 2 लाख की बकरियों वाली इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जब ये पाकिस्तान की हुकूमत संभाल रहे थे तो इन्हें वहाँ के बिलियनियर में गिना जा रहा था, पर जब इन्होंने अपनी संपत्ति में 2 लाख की 4 बकरियां गिनवा दी तो सब हंस पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक्स पीएम हो या करंट पीएम, न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही अपनी बेगम से ज्यादा अमीर नहीं है। 2020 में पाकिस्तान के जिन 10 बिलियनर्स का नाम लिया जा रहा था, शायद देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में वो पिसे और ऐसे पिसे कि अब पाकिस्तान शाहिद खान, मियां मंशा के अलावा 2 और नाम बिलियनर लिस्ट में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के मिलियनर्स की बात करें तो 19 लोगों का नाम सामने आता है। और पाकिस्तानी अरबपतियों के मुकाबले अगर इंडियन अरबपतियों की गिनती की जाए तो 2023 में इंडिया ने बिलियनर्स का आंकड़ा 169 पे पहुंचा दिया है। रही बात इंडिया के मिलियनर्स की, तो पिछले साल इंडिया के पास 7.96 लाख मिलियनर्स थे, जिनमें से कई हजार हर साल इंडिया से माइग्रेट कर जाते हैं। बावजूद इसके भारत के मिलियनर्स का आंकड़ा 2026 में 16,32,000 तक पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक झटके खाकर अपनी जनता को इससे बाहर निकालने के कदम उठा लिए हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस डिजिटल किए जा रहे हैं और इससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो कई मिलियनर्स खड़े कर पाएंगे। पर इससे 2026 तक पाकिस्तानी मिलियनर्स की गिनती 26,000 कैसे पहुंचेगी, इस डेटा का गणित आपके भेजे में भी नहीं बैठ रहा। राइट, तो भाई लोग, इंडियन अरबपति वर्सेस पाकिस्तानी अरबपति की संपत्ति को लेकर, उनकी लाइफस्टाइल, हर चीज का लेखा जोखा फैक्ट भाई ने आपके सामने रख दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडिया के कौन से अरबपति कंगाल हो चुके हैं तो आई बटन पर क्लिक करो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। तो भाई ये थी वीडियो यार, जैसा कि आपने देखा इतने पैसों की बात हुई यहाँ पे कि यार इंसान अपने बारे में सोचने लगता है। लेकिन देखो, जो कोई भी था ना वो जीरो से स्टार्ट किया था, बस कुछ लोगों को छोड़ के। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लगी यार।
कि मतलब बहुत सारे जो अमीर बने हैं उनके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो कहाँ से शुरू किए और अब कहाँ पे जा चुके, मतलब जाके पहुँच चुके हैं उस पोजीशन पे। तो इसीलिए इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, वो बड़ा सोचे। जब आप बड़ा सोचोगे ना तब आपको उसका आधा या थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वो भी आपकी सोच से बहुत ज़्यादा होगा। जब आप छोटा सोचोगे, जैसे कहते हैं ना, अगर आप 1 लाख नौकरी का 1 लाख रुपये की नौकरी का ख्वाब देखोगे तो आप फिर पढ़ाई उस लेवल की करोगे, लेकिन जब आप कोशिश उस लेवल करोगे, लेकिन जब आप 5 लाख का ख्वाब देखोगे तब आपको 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आप मेहनत फिर 5 लाख वाली करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप 1 लाख का ख्वाब देखोगे, 1 लाख वाली मेहनत करोगे, तब आपको 40-50 हज़ार वाली नौकरी मिलेगी। जब 50 हज़ार वाली करोगे तो 20-30 वाली मिलेगी। जब 20-30 वाली में मेहनत ही क्या होगी भाई। वही चीज़ है कि बड़ा सोचो भाई, सोच पे वो नहीं है, ठीक है। बड़ा सोचिए, उसका थोड़ा ही मिल गया तो भी बहुत होगा आपके लिए। तो बस यही थी, कुछ ज़्यादा ही मैं फिलोसोफर बन रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो क्या किस वगैरह वगैरह। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।